हैरान हूँ मैं ताईजान, इतनी मोहब्बत का दावा करने वाली बीवी अपने शौहर से किया हुआ एक वादा ना पूरा कर सकी। अच्छा सच पूछे, मुझे लगता है लत लग गई है उसको इन चीजों की, ख्वाब देखने, ताबीर सुनाने और फिर उससे इतना पैसा कमाने की। तभी तो वजदान के इतने कहने पर नहीं रुकी, मान तोड़ दिया इसका। मैं होती ना कसम से इसकी जगह कभी भी ऐसा ना करती, घर वालों से लड़ लेती, अब्बा से मार खा लेती, लेकिन कभी भी इनसे किया हुआ वादा ना तोड़ती मैं। और ना भी किया होता वादा, लेकिन कश्यप को चाहिए था कि वो बात मानती वजदान की। जाहिर है ससुराल है इसका, मैके से ज्यादा अहम होना चाहिए था उसके लिए। और अब जब कर लिया था फैसला तो वजदान से इजाजत मांगने का ड्रामा करने की क्या जरूरत थी, चली जाती चुपचाप। और उसके तमाशा करने की वजह से अब्बा ने आपको घर छोड़ने का बोला, क्या करेंगे आप लोग, अब कहाँ जाएंगे? हम तो भाई पहले यहाँ नहीं आना चाहते थे, तो तुम्हारी अम्मी ले आई। वजदान बेटा तुम जल्दी से ठीक हो जाओ और कहीं और रहने का बंदोबस्त करो, भाई मेरा तो अब दम घुट रहा है। इम्तियाज ने जो आज मेरी बेइज्जती की है ना, उसके बाद तो मैं एक पल नहीं यहाँ रह सकती। बस ताईजान, अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा, और मैं हूँ ना आप लोगों के साथ, क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूँ? ठीक है मैं आता हूँ, खुदा हाफिज़। फरजान देख के मैं ले जाती हूँ आप। रहने दो रहने दो, संभाल लूंगा मैं खुद को, तुम्हारे सहारे की जरूरत नहीं है मुझे। फरजान ये घर फर्नीचर समेत दे रहे हैं किराए पर, फर्नीचर आप देख लें डैमेज ना हो। भाई दिलशाद, दिलशाद भाई बहुत बहुत मुबारक हो, हमारी गाड़ी भी मिलने वाली है वापस, और इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में घर भी वापस मिल जाएगा। सच? काश। अरे भाभी बहुत अच्छा किया आप लोग आ गए, खुशी की खबर है घर वापस मिल रहा है हमारा। हम यहाँ नहीं रहेंगे, अब हम यहाँ से जा रहे हैं। कश्यप सामान पैक करो, चलो मेरे साथ। यानी कश्यप कहीं नहीं जाएगी, बल्कि तुम लोग भी क्यों जा रहे हो? बता तो रहा हूँ यार, घर वापस मिल रहा है, फिर वापस चले जाना। बहुत करवा ली हमने इज्जत, अब हमें यहाँ एक पल नहीं रुकना। चलो कश्यप, आपकी मर्जी है, नहीं रुकना तो ना रुके, जाएं यहां से। कश्यप नहीं जाएगी। कश्यप मेरी बात मानेगी, ये हमारे साथ भी जाएगी, पर अब कभी आस्ताने पर भी नहीं बैठेगी। चलो कश्यप। कश्यप तुम्हें हमारी हमारी मोहब्बत की कसम, इस रिश्ते इस ताल्लुक की कसम, चलो यहां से। और कौन सा रिश्ता, कौन सा ताल्लुक, और हैसियत औकात क्या है तुम्हारी? अस्पताल में पड़े थे, मेरी बेटी ने इलाज करवाया अपने पैसों से, और ये पैसे पता कहां से कमाए? उसी आस्ताने से जहां बैठने से मना कर रहे हो। कश्यप तुम्हें कह रहा हूं ना, चलो यहां से। चलो वजदान, वो तुम्हारी नहीं अपने बाप की बात मानेगी, चलो यहां से, बहुत हो गया। ओ यार नहीं जाएगी, वो कह रहा हूं नहीं जाएगी। ये जाएगी मेरे साथ, मैं आपसे नहीं से बात कर रहा, अपनी बीवी से बात कर रहा हूं।
कश्म, जिन लोगों की खातिर तुम्हें हमारे रिश्ते की परवाह नहीं हो रही इस वक्त, उन्हें तुम्हारी इज्जत की भी परवाह नहीं है। इन्हें सही और गलत के बीच में फर्क ही दिखाई नहीं दे रहा। इनकी आंखों पर खुद कर्जी और बेहयाई की पट्टी बंधी हुई है इस वक्त। आज तुम्हें मतियुल्लाह के आस्थाने पर बिठा रहना ही हो, कल जब आस्थाने की कमाई खत्म हो जाएगी तो तुम्हें भी बेच खाएंगे। बस बंद करो, चलो निकलो यहाँ से, चलो। अल्लाह का कहर नाजिल हो तुम पर वजदान, और कितनी बेइज्जती कराओगे, चलो यहाँ से। कश तुम मेरे साथ चल रही हो कि नहीं, क्या मैं हमारा रिश्ता खत्म कर दूं? बड़ा आया रिश्ता खत्म करने वाला। क्या कह रहे हैं आप सर? कुछ नहीं, इसकी गीदड़ भपकियों में मत आना, कुछ नहीं करने वाला ये और इसकी माँ तो चाहते ही नहीं है।